मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सपा समेत सभी विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और 2017 के बाद आज क्या स्थिति है, यह हर किसी को पता है। सपा, बसपा और कांग्रेस की संवेदना पेशेवर अपराधी और अब माफियाओं के साथ है। ये दल कैराना, रामपुर और मऊ में बैकडोर से माफियाओं को टिकट देकर फिर से प्रदेश को दंगे और भय की ओर ले जाना चाहते हैं। सरोजनी नगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनाव 80 बनाम 20 का है। 80% सीटें भाजपा को जा रही हैं, 20 में बंटवारा है। बुंदेलखंड में भाजपा के अलावा किसी अन्य दल की बोहनी भी नहीं होने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के बुलडोजर को मरम्मत में लगा दिया गया है, इसकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। अब उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, शानदार कावड़ यात्रा निकलती है। अब बाजारों में बमबारी नहीं, हर हर बम बम के नारे लगाकर कावड़ यात्री निकलते हैं।